लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है और शरीर का दूसरा आंतरिक अंग भी लीवर को माना जाता है। आज हम फैटी लीवर के बारे में बात करेंगे। फैटी लीवर किसे कहते हैं, इसके लक्षण, कारण एवं इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फैटी लीवर किसे कहते हैं। हमारे लीवर की कोशिकाओं में वसा का अधिक जमा होना यानी कि फैट का अधिक जमा होने के कारण फैटी लीवर हो जाता है। चलिए इसके कारणों के बारे में और बात करते हैं कि किन किन कारणों की वजह से हमें फैटी लीवर की समस्या होने लगती है। यदि आप पैकिंग वाला खाना ज़्यादा खाते हैं या तला हुआ ज़्यादा खाते हैं, रखा हुआ खाना खाते हैं या फिर मसालेदार ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आप अल्कोहल का सेवन अधिक करते हैं, डेली आप ड्रिंकिंग करते हैं तो आपको इसके कारण भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अनुवांशिकता भी फैटी लीवर होने का कारण हो सकता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यदि किसी प्रकार की बीमारी होती है उसे आनुवांशिकता कहते हैं, तो उसके कारण भी फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यदि आप किसी प्रकार की मेडिसिन का यूज़ कंटिन्यू करते हैं यानी कि स्टेराइड या एस्प्रिन की टैबलेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए फैटी लीवर के लक्षणों के बारे में और बात कर लेते हैं कि आपको यदि फैटी लीवर है तो क्या क्या लक्षण नज़र आ सकते हैं। ये आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है, आपको मिथली यानी कि उल्टी की इच्छा होने लगती है और उल्टी हो भी जाती है कभी कभी किसी किसी कंडीशन में, और यदि आपको भूख की कमी आ जाती है, आपको कब्ज की शिकायत रहने लगती है, खाना खाने की इच्छा भी नहीं होती है, लीवर पर सूजन आ जाती है जिसके कारण पेट का साइज भी बड़ा दिखाई देने लगता है, आपको खाना पचाने में बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो आपके ये सारे लक्षण नज़र आ सकते हैं यदि आपको फैटी लीवर है तो। यदि आपको इनमें से किसी भी प्रकार के लक्षण नज़र आते हैं तो आप किसी गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाएं, जो पेट का डॉक्टर होता है उसको दिखाएं, वह हो सकता है आपको पेट की जो LFT होती है उसके लिए एडवाइस करें या अल्ट्रासाउंड जो सोनोग्राफी होती है उसके लिए एडवाइस कर दें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस ग्रेड का फैटी लीवर है या फैटी लीवर है कि नहीं है। यदि आपको फर्स्ट ग्रेड या सेकेंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का आपको फैटी लीवर है या इससे ज़्यादा फर्स्ट ग्रेड से ऊपर का फैटी लीवर है तो वो आपके लिए एक MRI या एब्डोमन सिटी या सिटी स्कैन होती है उसके लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, ताकि कंफर्म हो सके कि इसके अलावा कोई और बीमारी तो नहीं है, आपको फैटी लीवर के साथ साथ या फिर लीवर से संबंधित कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। यदि आपकी जांचों में फैटी लीवर आता है या कंफर्म हो जाता है कि आपको फैटी लीवर है तो उसको मेडिसिन के साथ साथ में आपको, यदि आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो आपको अल्कोहल का धीरे धीरे सेवन करना बंद करना होगा, उसको बिल्कुल ख़त्म करना होगा। यदि आप तला हुआ कुछ ज़्यादा लेते हैं या फिर फास्ट फूड लेते हैं या फिर मसालेदार खाना ज़्यादा लेते हैं तो उसको भी आपको धीरे धीरे बंद करना होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है आपका कोलेस्ट्रॉल तो धीरे धीरे उसको कम करने की भी आपको दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा, ताकि आपको फैटी लीवर में ज्यादा समस्या ना आए। यदि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो उसको धीरे धीरे आपको कम करना चाहिए। यदि आप चीनी और सैचुरेटेड एसिड का यूज ज्यादा करते हैं तो उसका सेवन भी आपको कम करना चाहिए। यदि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आपको शुगर मेंटेन करने के लिए आपको मेडिसिन का लेना बहुत जरूरी है। आपको सुबह सुबह व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है, आप योगा भी कर सकते हैं, आप वॉक सुबह सुबह जो वॉक होती है वो भी आप घूमने के जरिए आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं, जिसके कारण आपको फैटी लीवर में काफ़ी कम होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि आप मीट अधिक खाते हैं तो आप मीट की जगह आप फिश का यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन के यूज़ कर सकते हैं, तो इस तरह से जो बताए गए उपाय हैं वो करके आप फैटी लीवर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, आप सदा खुश रहें, सदा स्वस्थ रहें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कर लीजिए और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।